हेलो मम्मीज़, वेलकम टू बेबीज़ वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के काजल से जुड़े कुछ सवालों पे, और उसके बाद उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिन टिप्स को फॉलो करके आप बच्चों के काजल लगा सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि बच्चे की आँख में काजल लगाइए, इसे लगाने से आँखें बड़ी होंगी, उन आँखों की रोशनी बढ़ेगी, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमसे साफ मना कर देते हैं कि बच्चे की आँख में काजल नहीं लगाना है, क्योंकि उससे आँख में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की आँख में काजल लगाएं या फिर ना लगाएं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि क्या काजल लगाने से आँखें सच में बड़ी हो जाती हैं? तो इसका आंसर है नहीं। काजल लगाने से आँखें बड़ी नहीं होती हैं, ये एक मिथ है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है। काजल लगाने के बाद आंखें बड़ी और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन आंखें बड़ी नहीं होती हैं। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि डॉक्टर्स काजल लगाने की क्यों मना करते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि जो बाज़ार में मिलने वाले काजल होते हैं उनको बनाने के लिए 50% से ज़्यादा लेड का यूज़ होता है। तो ये लेड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये अगर लंबे समय तक बॉडी के कांटेक्ट में रहे तो ये ब्रेन को, किडनी को, बोन मेरे को डैमेज कर सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटा बच्चा जिसके कांटेक्ट में हम ऐसी चीज़ को रखेंगे तो उससे उसको कितना हार्म हो सकता है। अगर हम ये कहें कि हम तो घर का बना हुआ काजल यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक काजल यूज़ करते हैं, तब भी डॉक्टर्स मना करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हम काजल को लगाने के लिए अपने फिंगर का यूज़ करते हैं। तो फिंगर का यूज़ करने पर उनमें बहुत सारे जम्स होते हैं जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए बच्चे की आँख में काजल लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब उन टिप्स के बारे में। तो पहला टिप जो है वो ये है कि आप अगर अपने बच्चे की आँख में काजल लगाना चाहते हैं तो आप घर का बना हुआ काजल ही यूज़ करें। किसी भी कंडीशन में आपको बाज़ार का काजल यूज़ नहीं करना है। घर का काजल बनाने के लिए आप बादाम का या प्योर बादाम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि आप काजल ताज़ा बनाकर ही बच्चे की आँख में लगाएं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि काजल को चम्मच में बना लिया या दीपक में बना लिया और उसको 6 से 7 दिन लगाते रहते हैं और वो ऐसे ही खुला रहता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल होते हैं वो काजल में मिक्स हो जाते हैं, जिससे बच्चे की आँख में इन्फेक्शन होने का, खुजली होने का डर रहता है। तो आप कोशिश करें या तो आप ताज़ा बनाकर काजल बच्चे की आँख में लगाएं, या फिर एक बंद ढक्कन की डिब्बी में आप काजल को स्टोर करके रख सकते हैं। आपको काजल को खुला नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं सेकेंड टिप के बारे में। सेकेंड टिप ये है कि आपके घर में जो भी बच्चे की आँख में काजल लगाता है, चाहे वो आप हो या आपकी मदर इन लॉ हैं, जो भी बच्चे की आँख में काजल लगाता है उसके नेल्स प्रॉपर कटे हुए और क्लीन होने चाहिए, जिससे कि नेल्स की गंदगी वो बच्चे की आँख में ना पहुँचे। और अगर नेल्स कटे हुए नहीं होंगे तो उससे बच्चे की आँख में लगने का डर रहेगा। और आप जब भी बच्चे की आँख में काजल लगाएं तो आपको उससे पहले अपने हाथ अच्छे से साफ करने हैं, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे जम्स होते हैं जिससे बच्चे की आँख में इन्फेक्शन का चांस ना रहे। तीसरा टिप ये है, अगर आपके बच्चे की आँख में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई एलर्जी है या फिर आँख से पानी आता है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे की आँख में काजल ना लगाएं। फिर चाहे कोई आपसे कुछ कहे कि बच्चे की आँखें छोटी हो जाएंगी या किसी की बुरी नज़र लग जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में अगर आप बच्चे की आँख में काजल लगाते हैं तो बच्चे की आँख की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तब आप काजल को अवॉइड करें। अब बात करते हैं चौथी टिप की। तो चौथी टिप ये है कि आप जब भी काजल लगाना स्टार्ट करें तो आप कुछ दिन ये ऑब्जर्व करें कि काजल लगाने के बाद बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे आँख से पानी आना या बच्चे की आँख लाल हो जाना या कोई एलर्जी। अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो आप फिर उसके बाद बच्चे की आँख में काजल ना लगाएं, क्योंकि आप समझ जाएँ कि काजल लगाने से बच्चे की आँख में एलर्जी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप फिर उसके बाद बच्चे की आँख में काजल ना लगाएं। तो ये कुछ टिप थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको मेरे ये टिप अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।